बेटा जोलॉजी के अंदर चार चैप्टर के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 7 इंक्लूड है। सो मैंने आपको एक टेस्ट कंडक्ट करना था, और उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियोज को अच्छे से देखा है, पुरानी चार वीडियोज को, तो आपको ये सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी आते होंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। अच्छा, ये हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दी बायोलॉजी। सो ये एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यही एमसीक्यूज थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके आया है, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो कि नेचुरल क्लोनिंग नहीं है। तो आपको पता है क्लोनिंग के लिए एक चीज़ तो लाजमी होनी चाहिए कि वो डुप्लीकेट कॉपीज हों। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, या जिसे हम फेटरनल ट्विन्स कहते हैं, तो वो इसकी एग्जाम्पल नहीं होती, क्योंकि डाइजाइगोटिक ट्विन्स और फेटरनल ट्विन्स हमें एक जैसे नजर नहीं आते। फिर वो आपसे कह रहे हैं द सब्सटेंस इज यूज इन लो कंसेंट्रेशन टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा वो चीज़ जो कि हम कम क्वान्टिटी में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की या वायरसेस की या दूसरे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकें, तो उसके लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो एंटीबायोटिक्स होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि स्टडी ऑफ सी ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना मरीन बायोलॉजी कहलाती है। फिर वो आपसे कह रहे हैं इन लो कंसेंट्रेशन दीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगेन ऑप्शन चेंज होकर रिपीट हुआ है, और इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, एंटीबायोटिक्स। फिर वो आपसे कह रहा है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट आ। तो अगर एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं और वो कैपेबल हैं इंटरब्रीडिंग के, मीन्स रिप्रोडक्शन के, सो ये वाला एमसीक्यूज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। स्पीशीज द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय या डिस्कवर्ड वॉज पेंसिलिन। फिर वो आपसे कह रहा है द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग इन अ क्लोज एसोसिएशन इन अ गिवन एरिया। सेम स्पीशीज का एक ही एरिया में रहना आर कंसिडर्ड एज कम्युनिटी। सो अगर आपको याद हो तो सेम स्पीशीज का एक ही ग्रुप के अंदर रहना पॉपुलेशन कहलाता है। अगर वो आपसे ये कहता है कि डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ सेम एरिया या लिविंग इन अ गिवन एरिया, तो फिर आप कम्युनिटी को टिक करते हैं। सो अभी सेम स्पीशीज हैं, एक ही जैसी स्पीशीज जब एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं तो उसे हम कम्युनिटी नहीं कहते, तो ये हो गया फॉल्स, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है लाइफ इमर्जेस ऑन द लेवल ऑफ सेल। बिल्कुल, ये अभी हमने डिस्कस किया था, सो ये ट्रू है बिल्कुल। फिर वो आपसे कह रहा है द सब सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो बेटा सेल का सब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ऑर्गेनील। अ साइंटिस्ट फॉर्मुलेट अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। अगर आपने वीडियो गौर से देखी हो तो मैं आपको समझा रहा था कि एजुकेटेड गैस या फिर टेंटेटिव स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है तो फिर आपने हाइपोथेसिस को मार्क करना है। फिर वो आपसे कह रहा है डैश इज द प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेटा जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेट कॉपीज बनाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। ये तो हम ऑलरेडी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वॉज। बेटा जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसे हम पेंसिलिन कहते हैं। द डिजीज ऑफ डैश हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो जब आप बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ते हैं तो उसके लिहाज से आपके सिलेबस में जो एग्जाम्पल है वो मलेरिया है। फिर वो आपसे कह रहे हैं मरीन बायोलॉजी डील्स विद द बर्ड्स। तो बेटा मरीन बायोलॉजी बर्ड्स को डील नहीं करती, तो ये फॉल्स है। सी ऑर्गेनिजम्स को वो डील करती है। डैश इज अ स्टडी ऑफ फॉसल्स। तो बेटा फॉसल्स को पढ़ना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। फिर आपसे कि वो कह रहा है कि द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना जेनेटिक्स कहलाता है, या जेनेटिक्स में हम इसे डिस्कस करते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल ऐसे हैं एमसीक्यूज जो कि हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, बस सिर्फ एक आध ही कोई एमसीक्यूज नया होगा जो आपके पास पेपर के अंदर आया हुआ है। द स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देखी हो, तो उसके अंदर कोई स्टडी थी, और मैंने और बाकी ऑप्शंस में भी आपको बता दिया था कि अगर हिस्टोलॉजी लिखा है या साइटोलॉजी लिखा है तो उसके मतलब ये होंगे। सो वहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर मैंने हिस्टोलॉजी का भी डिस्कस किया था। तो बेटा टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। सेल की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। इसी तरह से बॉडी स्ट्रक्चर्स, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी कहलाती है एनाटॉमी, और जो फंक्शंस की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब हम दूसरे चैप्टर के पास पेपर को डिस्कस कर रहे हैं,
सबसे पहला एमसीक्यूज है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, वो आपसे कह रहा है ह्यूमन सेक्स हार्मोन। तो बेटा ह्यूमन सेक्स हार्मोन के अंदर मेल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर हमारे पास आते हैं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। सेकेंड ईयर के अंदर जब आप आएंगे तो हार्मोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर बायो चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के अंदर। जो ह्यूमन सेक्स हार्मोन है बेटा वो स्टेरॉइड स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट करते हैं। ये कैटेगरी है लिपिड्स की अगर आपने पढ़ा हो तो। द गिवन डायग्राम इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि दो स्पायरल स्ट्रक्चर होता है उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो फिर आप लीनियर पर ट्रिक करते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शुगर मिलती है बेटा उसे हम लैक्टोज कहते हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की जो सब यूनिट होती है मतलब न्यूक्लिक एसिड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है जो कि 2017 में नया आया हुआ है, वो कह रहा है दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ स्टेरॉइड। तो बेटा न्यूक्लियस जो है वो स्टेरॉइड का वो ये बी ऑप्शन वाला है। ये जो है वो स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है, तो आंसर है बी। फिर वो आपसे कह रहा है ह्यूमन सेक्स हार्मोन आर क्लासिफाइड एज। तो बेटा ह्यूमन सेक्स हार्मोन को हम स्टेरॉइड कहते हैं, ये तो अभी आपने पढ़ा। तो ये वर्डिंग थोड़े से चेंज करके और ऑप्शन थोड़े से चेंज करके अपेयर हुआ है। फिर वो आपसे कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कम्बाइंड टू फॉर्म, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन। फिर वो आपसे कह रहे हैं द पॉलीसेक्राइड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल। तो बेटा ह्यूमन मसल के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। फिर वो आपसे कह रहा है द ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना कंडेंसेशन कहलाता है, और साथ में यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इलिमिनेट होते हैं। और हाइड्रोलिसिस आप कब लगाते हैं, जब वो आपसे बोलता है कि ब्रेकिंग ऑफ पॉलीमर। ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो एसिड। नहीं, जब हम वीडियो में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ईस्टर बॉन्ड जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है और एल्कोहल में बनता है। यहाँ पर आंसर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड के लिए आपको एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ठीक है लेकिन साथ में अमीनो ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप होता है। अगर अमीनो ग्रुप होता है तो फिर हम उसे अमाइड बॉन्ड कहते हैं। खैर, फिर वो आपसे कह रहा है द नाइट्रोजनस बेसिस कंबाइन विद द पेंटोस शुगर। अगर नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोस शुगर से कंबाइन हो जाती है तो उसे हम एडिनोसिन कहते हैं। फिर वो कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। बहुत मल्टीपल एमसीक्यूज यहाँ पर वही हैं जो हमने करे थे। फिर वो आपसे कह रहा है ग्लाइकोजन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है। ये मैंने आपको तीन एग्जांपल्स बताई थी अगर आपको याद हो, एक स्टार्च, एक सेलुलोज और एक ग्लाइकोजन। यहाँ पर अब हम तीसरे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम और द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, एक ही बात है। ये पेपर में देखें तीन दफा आया हुआ है, इस एमसीक्यू में कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो प्रोटीनियस पार्ट को हम किसका नाम देते हैं, एपोएंजाइम, हम डिस्कस कर चुके हैं। ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, द मॉलिक्यूल बाइंड टू एन एंजाइम। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो कहाँ पर बाइंड होता है, तो वो एलोस्टेरिक साइड पर बाइंड होता है। जबकि अगर वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहता आपसे तो आप क्या टिक करते फिर, एक्टिव साइड। खैर, फिर वो आपसे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन द ह्यूमन बॉडी आर हाईली एक्टिव एट दिस टेम्परेचर। तो ये एमसीक्यूज भी देखे हैं, बिल्कुल बहुत आसान है, और यही वर्डिंग चेंज होके आया है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव या हाईली एक्टिव एट। चार दफा ये एमसीक्यूज आ चुका है पास पेपर के अंदर। सिंध बोर्ड में पेपर ऑलमोस्ट एक ही जैसा आता है, कोई भी चेंजेस नहीं होती पेपर में, बहुत ही आसान और बहुत ही थका हुआ पेपर आता है। बायो कैटलिस्ट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम। बिल्कुल, बायो कैटलिस्ट को हम इंजाइम कहते हैं, तो बात ठीक है। फिर वो कह रहा है आपसे द टर्म इंजाइम वॉज कॉइंड बाय। तो सबसे पहले इंजाइम को जो नाम रखा था वो फ्रेडरिच विलहम कोने ने रखा था, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इंजाइम डू नॉट एक्टिवेट रिएक्शन, बेटा इंजाइम एक्टिवेट करता है रिएक्शन को, तो ये तो हो गया फॉल्स। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पर, क्योंकि वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा, पहला एमसीक्यू वो आपसे कह रहा है कि दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इन अमीबा। तो बेटा अमीबा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म। तो सेमिनल वेसिकल्स एक तरह से रिप्रोडक्टिव वेसिकल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव वेसल्स होती हैं, जो कि हमें अर्थवर्म में मिल रही होती हैं। तो उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है जिसे हम कहते हैं मोनोसिस्टिस। फिर वो आपसे कह रहा है वॉर्म लाइक एंड मोचाइल लाइक जायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। तो बेटा उसे हम ओओकिनेट कहते हैं।
जो जायगॉट बनता है प्लाज्मोडियम का, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो रहा होता है, तो फिर हम उसे ओकिनेट पड़े होते हैं। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक। वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा क्लास है, कौन सी ऐसी क्लास है प्रोटोजोआ की जो कि सारे के सारे जिसके अंदर पैरासिटिक होते हैं। तो बेटा उसकी एग्जाम्पल है स्पोरोजोआ, उस क्लास का नाम है स्पोरोजोआ, जिसकी एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम हमने पढ़ी थी। वो आपसे कह रहा था एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कंप्लीटेड इन मैन, ठीक है। वो आपसे कह रहा था एसेक्सुअल प्लाज्मोडियम ऑफ द एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीटेड इन मैन इज कॉल्ड। तो मैन के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की, तो उसे हम क्या कहते हैं मेल के अंदर या मैन के अंदर जो एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है उसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक शिज़ोगोनी। सो यहाँ पर एरिथ्रोसाइटिक तो नहीं लिखा, लेकिन शिज़ोगोनी लिखा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो शिज़ोगोनी है। फिर वो आपसे कह रहा है दिस क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। सो बेटा ये तो रिपीट हुआ है, तो स्पोरोजोआ है। द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कंटेन दीज पैरासाइट्स। तो बेटा फीमेल एनाफिलस के स्लाइवा के अंदर एक केमिकल, एक ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में होता है। इन मलेरिया द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो 106 से लेके 108 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। हमारी बुक अकॉर्डिंगली तो 106 है, लेकिन वो कंप्लीट रेंज नहीं दी हुई। वैसे मलेरिया जो है वो 108 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कॉज कर सकता है। फिर वो आपसे कह रहा है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कंप्लीटेड इन, ठीक है। तो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो कितने होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, तो आंसर्स आपके पास दिए हुए दो होस्ट, एक होस्ट, तीन होस्ट और नन ऑफ दीज। तो बेटा मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है या प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, तो इसका आंसर है टू होस्ट। फिर वो आपसे कह रहा है द यूग्लिना स्विम्स बाय मींस ऑफ। तो बेटा यूग्लिना के पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिला और फ्लैजिलम में फर्क है कि अगर हम एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एलोंगेटेड एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो फ्लैजिलम कहलाता है, और अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो फिर वो फ्लैजिला कहलाता है। फिर वो आपसे कह रहा है द ट्रैपेनोसोम इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट। तो बेटा ये इंटेस्टिनल पैरासाइट नहीं होता, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लोकोमोटरी ऑर्गनील ऑर्गन्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर सुडोपोडिया। तो बेटा लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्लाज्मोडियम के सुडोपोडिया नहीं होते, तो ये तो हो गया फॉल्स। फिर वो आपसे कह रहा है कि अमीबा इनगल्फ इट्स प्रे। तो अमीबा अपने प्रे को इनगल्फ करता है बाय द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया। ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि सुडोपोडिया अमीबा जो है वो सुडोपोडिया के जरिए मूव करता है फूड की तरफ। इन 1898 ग्रैसी डिस्कवर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। So, यहाँ पर हमारे चारों चैप्टर के पास पेपर कंप्लीट हो गए, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अगले पास पेपर की जो वीडियो होगी हमारे पास, उसमें हम नेक्स्ट चार चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।